गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग बात कर रहे थे। फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर जो कोल चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पूरा डिस्क्रिप्शन थियरी के साथ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ हमने लेक्चर को ख़त्म किया था। एक छोटा सा टॉपिक बाकी है कोल चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई हॉट चैम्बर कोल चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस का जो मेन टॉपिक है, सेंट्रलाइज टॉपिक, वो है क्या है? प्रेशराइज डाई कास्टिंग प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस। तो उसकी जो एप्लीकेशन है, किसकी? प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है वो हमने बाकी रखी थी लास्ट लेक्चर में, तो उसको कंटिन्यूस करेंगे। और उसके बाद दूसरी जो अलग तरीके की कास्टिंग प्रोसेस है उसको हम लोग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टाइटल लगाइए, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस। ये जो प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस है उसकी एप्लीकेशन क्या है वो? तो पहली एप्लीकेशन है हाउस होल्ड इक्विपमेंट लाइक डेकोरेटिव पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द मिक्सर, फैन, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, कैन ओपनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा कैन बी मेड। हाउस होल्ड में भरपूर एप्लीकेशन है, यानी आपके घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट आते हैं, घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि डेकोरेटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मिक्सर जो होता है, ग्राइंडर जो होता है, उसके मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, हमारा जो पंखा है, फैन, वो वैक्यूम क्लीनर है, वो वॉशिंग मशीन के अंदर उसकी बॉडी, उसके इक्विपमेंट, फिर जो कैन ओपनर आता है ना, बियर की बोतल ओपन करने वाला आता है ओपनर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलने के लिए आता है ओपनर वहाँ पे, फिर जो रेफ्रिजरेटर है उसकी बॉडी, उसके पार्ट्स, तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस से बनती है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट लाइक मोटर हाउसिंग, मोटर का हाउसिंग यानी उसका जो केसिंग होता है प्रोटेक्शन के लिए, वो क्रेन पार्ट्स, जो क्रेन आती है बड़ी बड़ी ओवरहेड लिफ्टिंग के लिए, ठीक है, तो उसके पार्ट्स, मोटर, रोटर्स, फैन, इंपेलर व्हील, तो जितने भी रोटेशनल कंपोनेंट है, थिन सेक्शन है पतले, ठीक है, तो मोटर का हाउसिंग, क्रेन के पार्ट्स, मोटर और फैन का जो रोटर होता है, ठीक है, इंपेलर होते हैं, वो सारी चीज़ें भी प्रेशर डाई कास्टिंग से बनेगी। ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो विंडशील्ड फ्रेम्स होता है। आप बोलोगे सर ये विंडशील्ड फ्रेम कहाँ पे होता है? तो आपका जो ऑटोमोबाइल यानी आपका जो फोर व्हील का बॉडी होता है, क्लियर है, तो विंडशील्ड, तो हवा को काटने के लिए या फिर उससे प्रोटेक्शन के लिए उसका पूरा फ्रेम होता है, क्लियर, सपोर्टिंग के लिए, एरोडायनेमिक शेप देने के लिए। तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं ऐसे एरोडायनेमिक शेप के, उसको कास्टिंग करने के लिए। विंडो चैनल्स, अभी जो आपके सेक्शन डोर आते हैं, सेक्शन विंडो आती है, ठीक है, तो उसकी चैनल्स आती है वो इससे बनती है। फ्यूल पंप की जो बॉडी आती है, ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल पंप होता है, जो फ्यूल को प्रेशराइज करके कार्बोरेटर के थ्रू एंटर करेगा सिस्टम के अंदर, तो कार्बोरेटर की बॉडी, फ्यूल पंप की बॉडी, वो भी इससे बनेगी। हैंडल जो आते हैं, दरवाजे के हैंडल्स आते हैं, कुछ पकड़ने के, होल्डिंग करने के लिए जो हैंडल्स आते हैं, ट्रेन में होते हैं, एरोप्लेन में होते हैं, ऑटोमोबाइल में होते हैं, घर पे भी होते हैं, ठीक है, बस में होते हैं, तो वो हैंडल्स बनाने के लिए। फिर जो रियर व्यू मिरर है, आप जो फोर व्हीलर में बैठ के जो सेंटर पे मिरर होता है ना, जो पीछे का पूरा पोर्शन दिखाता है, तो रियर व्यू मिरर है, उसके पार्ट्स बनाने के लिए। फिर जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम आता है, ब्रेकिंग सिस्टम, उसके जो शूज़ होते हैं, लाइनर, ओके, एल्यूमिनियम में से बनते हैं, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक लाइनर बोलते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं, तो उसको आप लोग प्रेशर डाई कास्टिंग से भी बना सकते हैं अच्छी तरीके से। फिर जो खिलौने आते हैं बच्चों के, टॉयस,
जैसे कि पिस्तौल खेलने के लिए आता है वो, ओरिजिनल वाला नहीं, सारे टॉयज़ की बात करेंगे। खेलने के लिए जो पिस्तौल बंदूक आता है वो, फिर जो इलेक्ट्रिक ट्रेन आता है जो चलता है, ठीक है, फिर जो एरोप्लेन एयरक्राफ्ट के मॉडल आते हैं, फिर जो बच्चों की साइकिल बाइसिकल बाइक आती है, तो जितने भी टॉयस है उसके भी कंपोनेंट वो भी हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग से बना सकते हैं। फिर कुछ रह गए होंगे ऐसे कोई पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि टैप्स होते हैं, वाल्व होते हैं, बर्नर, फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है, टेलीफोन सेट्स, स्पीकर, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जहाँ पे भी आपको थिन पतला सेक्शन दिखेगा मटेरियल का और उसको उन लोगों ने कास्टिंग किया होगा या फिर बेंडिंग करके कोई शेप दिया होगा, तो आपको आँख बंद करके समझ जाना है कि भाई ये प्रेशर डाई कास्टिंग से ही बना हुआ होगा। अगर कास्टिंग करके बनाया होगा थिन सेक्शन पतला सेक्शन, ऐसी कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको पतले सेक्शन दिख रहे थिन सेक्शन, तो समझ जाना कि अगर कास्टिंग हुआ होगा तो प्रेशर डाई कास्टिंग से ही हुआ होगा। फिर जो स्टेपलर्स आते हैं, टाइपराइटर आते हैं, टाइपराइटर तो अभी बंद हो चुके हैं लेकिन सालों पहले टाइपराइटर का ज़माना था, अभी भी वकील लोग यूज़ करते हैं। ये जो टाइपराइटर है वो एक भयंकर मशीन है, किसी को पूछना आप, टाइपराइटर का मैकेनिज्म जो है ना बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म है। तो उसके जो कंपोनेंट आते हैं टाइपराइटर के वो भी प्रेशर डाई कास्टिंग से बनते हैं। पहले इसका ज़माना था तो पूरा टाइपराइटर बनाना, असेंबल करके बेचना, फिर जो खरीद के यूज़ कर रहा है उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस सब होता था, तो बहुत ही फूला फाला और पहुंचा हुआ बिजनेस था। लेकिन सडनली टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कंप्यूटर आ गए, तो टाइपराइटर चला गया, एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी जो वकील लोग होते हैं वो टाइपराइटर यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइपराइटर को चलाने में कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है, सिंपल मैकेनिज्म होती है जिससे हमारा प्रिंटिंग का काम हो जाता है। तो पूरा ज़माना था भाई टाइपराइटर का, लेकिन जो बनता है उसका नाश होता है, सब लोग हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर है तो उसका भी एक दिन आएगा, क्लियर है, जो बना है वो डिस्ट्रॉय होगा, पक्का है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस के एप्लीकेशन, तो कौन सी फील्ड में कौन से कंपोनेंट बनाने के लिए प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस यूज़ होता है। तो लगभग आप देखोगे तो आगे पीछे मिला के सब फील्ड के अंदर मैक्सिमम सब जगह पे प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस यूज़ होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम प्रोसेस देखने वाले वो है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस तो हम सबको मालूम है, और अगर आप भूल गए तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा कि जब भी कोई रोटेशनल कंपोनेंट अपना सेंटर पकड़ के या फिर अपनी सेंटर एक्सिस पे कोई भी रोटेशनल कंपोनेंट जब घूमता है तो सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में उस रोटेशनल कंपोनेंट के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कंपोनेंट सेंटर से बाहर की ओर खींच सेंटर कंपोनेंट के ऊपर सेंटर से बाहर की ओर एक खिंचाव लगने वाला फोर्स लगता है ना, गुजराती में कहवाई तो एक खेचाण बल लागे छे, तेने कहवाई छे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी कंसेप्ट को इन लोगों ने कास्टिंग के अंदर यूज़ किया और इस प्रोसेस को नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ लिक्विड फॉर्जिंग, दूसरा नाम भी है इसका। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस को आप लिक्विड फॉर्जिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्लियर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस लिक्विड फॉर्जिंग से जाना जाता है। इन दिस प्रोसेस मोल इज रोटेटेड एट हाई स्पीड एंड मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन टू इट, पूरा जो मोल है उसके अंदर हम लोग मोल्टन मेटल एंटर करवा देंगे, फिर दोनों साइड से बंद कर देंगे और पूरे जो मोल है उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेंगे, हाई स्पीड से उसको घुमाएंगे जिससे मेटल कॉर्नर पे पोर होगा और जो भी कंपोनेंट का बेसिक शेप है वो हमको मिलेगा। ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
द मोल्टन मेटल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर. देखिए सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा, बाहर की ओर खींचान लगने वाला बल लगेगा, जिससे मोल्टन मेटल बाहर की बॉर्डर पे यानी कि आउटसाइड पे जमा होगी, सेंटर पूरा खाली हो जाएगा और इस तरीके से हमको शेप मिलेगा. एग्जांपल दिया गया है टूवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड विथ हाई प्रेशर. इनर सरफेस से बाहर की ओर फोर्स लगेगा और पूरा मोल्टन मेटल सेंटर से या फिर सेंटर को छोड़ के कंपोनेंट की जो बॉर्डर है वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा और फिर थोड़ा स्लोली स्लोली ठंडा होके शेप ले लेगा. हैंड्स अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द मेटल इज डिपोजिटेड ऑल एमोंग द इनर सरफेस ऑफ द मोल वेयर इट इज सॉलिडिफाई एंड इम्प्योरिटीज बींग लाइटर रिमेन्स नियर टू द रोटेशन एक्सिस. इससे क्या होगा तो कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से हाई स्पीड से हम लोग कंपोनेंट को घुमा रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे मटेरियल इनर सरफेस पे डिपॉजिट हुआ होगा तो वहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस मिलेगी और दूसरा जो अशुद्धियाँ है इम्प्योरिटी है कचरा है वो सेंटर एक्सिस के पास जमा हो जाएगा. देखिए दो प्रोसेस हो गई, एक आपको यूनिफॉर्म थिकनेस भी मिल गई कंपोनेंट की और जो कचरा था इम्प्योरिटी थी वो सेंटर में आके कलेक्ट हो गई, तो जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी हो गया, तो आपको थोड़ा मटेरियल शुद्ध मिलेगा कास्टिंग का. दिस प्रोसेस प्रोड्यूस कास्टिंग विद द ग्रेटर एक्यूरेसी एंड बेटर फिजिकल प्रॉपर्टी. सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग से जो भी कंपोनेंट बनेगा उसके अंदर मटेरियल के अंदर जो एक्यूरेसी होगी डायमेंशन की वो अच्छी मिलेगी और जो फिजिकल प्रॉपर्टियाँ है वो भी इसके अंदर अच्छे से डेवलप होगी. दिस मेथड इज मेनली सुटेबल फॉर कास्टिंग ऑफ सिमेट्रिकल शेप. जो एक्सिस सिमेट्रिकल शेप होते हैं यानी कि सेंटर एक्सिस से सब तरफ उसका शेप और डायमेंशन एक जैसा होगा, ऐसे सर्क्यूलर शेप वाले कंपोनेंट को बनाने के लिए ज़्यादातर सेंट्रिफ्यूगल प्रोसेस यूज होता है. क्लियर है? अब इसकी बात करेंगे तो कि भाई सेंट्रिफ्यूगल प्रोसेस के अंदर हम लोग देखेंगे तो इसके भी अलग अलग तरीके के क्या है स्वरूप है, मतलब सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस भी अलग अलग तरीके से हो सकती है. तो जैसे हमने देखा था ऊपर कि जो प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस है वो हमारा मेन है, लेकिन अंदर हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर दोनों अलग अलग मेथड है. मेथड है के टाइप्स है तो कि सर मेथड एक ही है, दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं. बिल्कुल उसी तरह एक सेंट्रलाइज मेथड है हमारा सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, लेकिन यही सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस तीन अलग अलग तरीके से होगा. अब समझ रहे हो कि नहीं? बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करोगे, अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करोगे तो एक ही रहेगा, लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा. तो देखिए कौन से तरीके से सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग हो सकता है. तो उसमें सबसे पहला है थ्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग, सेकंड है सेमी सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग और थर्ड है खुद सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग. नहीं, यही आप मार खा जाओगे. आप ओवर एक्साइटेड में क्या करोगे, सेंट्रिफ्यूगल सेंट्रिफ्यूगल सेंट्रिफ्यूगल. नहीं, ध्यान से पढ़ो. पहला है ट्रू सेंट्रिफ्यूगल, सेकंड है सेमी सेंट्रिफ्यूगल और थर्ड पढ़ोगे शांति से तो सेंट्रीफ्यूजिंग. गुजराती में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगिंग. अब फ्यूगिंग नहीं बोलना है, सेंट्रीफ्यूजिंग बोलना है. तो तीन तरीके से होगा, टू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग किसकी, अभी किसकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर पहला जो तरीका है थ्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा अगर आप पढ़ोगे टाइटल थ्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. ओके भाई, ये जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है मोल का एंड डेट ऑफ द कास्टिंग आर द सेम. वापिस एक बार पढ़ेंगे, द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग इज दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द मोल्ड एंड डेट ऑफ द कास्टिंग आर एट द सेम. अगर आपने कोई मोल्ड बनाया है तो उसकी सेंटर एक्सिस और उस मोल्ड से बनने वाले
जो भी रोटेशनल कंपोनेंट है उसकी भी जो सेंटर एक्सिस है दोनों कैसी होगी, सेम होगी। क्लियर है? तो एक वर्ड में बार बार बोला एक्सिस सिमेट्रिकल, एक्स सिमेट्रिकल, यानी एक्सिस क्या होनी चाहिए, एक्सिस का सिमेट्री होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। अभी तक हमने थ्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के ऊपर ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं किया है, हम लोग कल के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे थ्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद नंबर आएगा सेमी सेंट्रीफ्यूगल का और लास्ट में नंबर लेंगे सेंट्रीफ्यूजिंग का। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाएगा, तो इस बार भी एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आप ध्यान से लेक्चर देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और थियोरी को कंपलसरी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, UPSC आता है, GPSC आता है, फिर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टेक्निकल एग्ज़ाम आता है, रेलवे का टेक्निकल एग्ज़ाम आता है, उसमें मिनिमम दो क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस से आते ही है। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस होता है तो जो इम्प्योरिटी होती है वो कहाँ कलेक्ट होती है, तो उसका सीधा आंसर आएगा एट द सेंटर, जो सेंटर एक्सिस है वहाँ पे इम्प्योरिटी कलेक्ट होती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें से पूछ सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में भी काम लगेगी, इंटरव्यू में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, कल मिलेंगे और इसी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? थैंक यू।